सो आज हम लोग थोड़ा सा लक पुश करने वाले सीधा INMCT की तरफ। हम लोग ने लास्ट एपिसोड में नॉन वैक्सिटी जिम लीडर से बैटल की थी और एक लेजेंडरी ट्रेनर्स के साथ भी बैटल की थी, तो डेफिनेटली अगर आपने लास्ट एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो वो चेक कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एडअप किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहली बीच लेडी के साथ बैटल करने वाले हैं, मतलब यार यहाँ पे बिकिनी पहनी उस बंदी ने, और किंगलर आ चुका है। हम लोग ने किंगलर को लेटेस्टली बहुत बार देखा है, लेकिन यार किंगलर मुझे पकड़ना था मतलब एज अ वाटर टाइप चॉइस, लेकिन यार हम लोग ने सोचा ब्यूटी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है तो भाई माइलो को पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में तो अलग ही सेटलमेंट हो चुका है मेरा, क्योंकि यार इतने जिम लीडर्स है यहाँ पे, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फिलहाल मन नहीं कर रहा है मुझे एंटर करने का। बाद में करूँगा अगर मैं पोकेमॉन चैम्पियन हो ही जाता हूँ तो कर ही लूँगा। वैसे जर्निया चैम्पियन लीग का मैं चैम्पियन हूँ ही, लेकिन लोरान चैम्पियनशिप जब मैं जीत जाऊँगा, जिसको ऑफिशियल पोकेमॉन चैम्पियनशिप बोलते हैं इस गेम में, तो उसके बाद शायद हम लोग की थोड़ी वर्ड बढ़ने वाली है। और अभी यहाँ से समुंदर मतलब सी वेस से जाना है हम लोग को, और सी वेस मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है गेम्स में, और सबसे ज़्यादा मेरे को जो रास्ते पे चलने वाली चीज़ें हैं ना वही अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली चीज़ मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि यार समुंदर में पाथवे बहुत ही क्रॉसओवर हो जाते हैं, उसके वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे है वेलमर, सो वेलमर को हम लोग डिफीट करने के लिए यूज़ करेंगे रेजर लीफ, और एक रेजर लीफ के साथ वेलमर चला जाएगा, क्योंकि यार के पास देखा जाए तो वेलमर पहले तो एडवांटेज हमारे पास है, उसका लेवल भी कम है, 55 लेवल का वेलमर है, हमारा है 71 का वीना, और यहाँ पे गोल्ड डक। सो गोल्डन बहुत ही पोटेंशियली बहुत ही मतलब अच्छा पोकेमोन है यार, मतलब मैंने जो पोकेमोन फायर एंड नज़लॉक चैलेंज में मैंने गोल्डक यूज़ किया था, उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि भाई गोल्डक भी अच्छा खासा पोकेमोन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक पोकेमोन फायर एंड नज़लॉक चैलेंज नहीं देखा है तो वो भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यार उसके अंदर मैंने वाटर टाइप पोकेमोन यूज़ करके पूरा का पूरा फायर गेम को डिफीट किया था, जो थोड़ा सा इजी था थोड़ा सा हार्ड था, अलग अलग एक्सपीरियंस है हर एक बंदे के, तो मेरा एक्सपीरियंस तो मीडियम था, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है अगर आप पोकेमॉन फायर रेड को वाटर टाइप से हराओगे तो। लेकिन एलिट फोर के खिलाफ थोड़ा सा टफ बड़ा मतलब यार तो डिफ़िकल्टी था ना थोड़ा सा बढ़ गया, जो आप चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ पे है टेंटाक्रूल, तो टेंटाक्रूल को डिफीट करने के लिए खाली वाटर टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत नहीं रहती, अगर आपके पास अच्छा खासा थंडर टाइप पोकेमॉन है तो डेफिनेटली डिफीट कर देगा वो टेंटाक्रूल को। लेकिन यार टेंटाक्रूल का एडवांटेज वही है कि भाई वो बंदा हो जाता है साइकिक पॉइजन प्लस वाटर, तो उस पर खाली आप ऐसे रैंडम एडवांटेज वाले अटैक यूज़ करके नहीं मतलब बनता। यहाँ पे है बी बैरल, सो बी बैरल भी आपको पानी में देखने मिलेगा कि सरप्राइजिंग थिंग वही है, बी बैरल सर्फ यूज़ कर सकता है, बी बैरल सारे अच्छे मूव्स यूज़ कर सकता है। तो भाई आपको हर एक बंदे के पास जिसका मतलब ऑफिशियल ट्रेनर है वो, जैसे कि मैंने भी जब डायमंड खेला था तो उसके अंदर मेरे पास बी बैरल था जिसके पास सारे के सारे अच्छे मूव्स थे, तो ऐसा ट्रेनर ज़रूर आपको दिखेगा ही। तो यहाँ पे है ब्लास्टोइज, जो हमेशा यूज़ करेगा प्रोटेक्ट अटैक, मतलब आप ब्लास्टोइज क्लॉयस्टर जो पोकेमॉन होते हैं वो प्रोटेक्ट पहले यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यार आमने वाले पोकेमॉन को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का वो निकालने वाले पोकेमॉन, तो उसके लिए वो पहले प्रोटेक्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अनदर ट्रेनर आ चुकी है जिसके पास है अनदर टेंटाक्रूल जो है 55 लेवल का, तो लेवल इतने ज़्यादा जो लोकल ट्रेनर्स हैं उनके पास बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, जितने हम लोग को जिम लीडर्स के प्यादे और जिम लीडर्स के पास देखते हुए मिल रहे। डेफिनेटली वहाँ पे तो हम लोग को इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। शायद से अगर पोकेमॉन चैम्पियनशिप की तरफ जाते टाइम पे अगर वहाँ पे काश कोई विक्ट्री रोड हो तो वहाँ पे हम लोग को डेफिनेटली 60-65 लेवल के पोकेमॉन मिल ही जाएंगे, जिनके हम लोग यूज़ करके एटलीस्ट हमारे पोकेमॉन 75-76 तक ही हो जाएंगे। लेकिन वीना का अलग सीन है, वीना शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और लैप्रस को हरा दिया, मुझे लगा नहीं था कि लैप्रस यहाँ पे किसी के पास रहेगा, लेकिन लैप्रस यहाँ पे है। और पॉलीव्रेथ आ चुका है, पॉलीडोट मैंने एक ही देखा था, मतलब पूरे गेम में शायद से दो ही पॉलीडोट देखे हैं, दो या तीन ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो देखे नहीं है। पॉलीव्रेथ ज़्यादा इस गेम में, पॉलीवर्ल्ड ज़्यादा इस गेम में, पॉलीवैक तो मुझे ज़्यादा दिखा नहीं, तो मतलब यार पॉलीडोट आप डेफिनेटली कर सकते हो इस गेम में, है अलाउड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इतने ज़्यादा दिखे नहीं है, तो भाई पता नहीं कितने जन पॉलीडोट यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। मैंने तो पॉलीडोट जोटो में यूज़ किया था क्योंकि उस टाइम पे पॉलीडोट का फ़ैन था मैं, जब मिस्टी के पास पॉलीडोट था, यही वाला चीज़ था मैं जो बात कर रहा हूँ। अलग अलग रूट्स निकलते हैं ना वाटर से, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, क्या हो जाता है वाटर्स में डाइव अटैक भी यूज़ करके हम लोग अलग 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 पाथवे में जाना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ों को भी शायद से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसके लिए मुझे वाटर वेज ज़्यादा पसंद नहीं है। हम लोग पहुँच चुके हैं INMCT के तरफ, और INMCT के बाद हम लोग जाएंगे सीधा लोरान चैम्पियनशिप में। अगर कोई टीम बंदा मतलब जुगाड़ नहीं करता, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे सीधा लोरान चैम्पियनशिप की तरफ।
यहाँ पे हम लोग को एक लेजेंडरी पोकेमोन मिलने वाला है फ्यूचर में जाके। जितना मुझे याद है कि INM सिटी एक लेजेंडरी लोकेशन है जहाँ पे आपको पोकेमोन मिलता है लेजेंडरी, और जैसे ही मैं INM सिटी को एक्सप्लोर करते जाऊँगा आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो भाई पहले रिवाइव कर लेते हैं और उसके बाद मैं एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा इस पूरे के पूरे सिटी को। आज नहीं ट्राई करूँगा जिम लीडर के साथ बैटल करने के लिए, लेकिन यार शायद से एक्सप्लोरेशन भी नेक्स्ट पार्ट में करूँ, क्योंकि यार मैंने आज सोचा था कि INM सिटी की तरफ हम लोग पहुँच जाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोरेशन चालू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यार क्या है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को इस सीरीज़ के ऊपर, फटाक से नई सीरीज़ के ऊपर मुझे काम करना शुरू कर देना है। और मेन चीज़ वही है कि अगर नई सीरीज़ आ जाती है तो मैं नया कंटेंट, मतलब फ्रेश गेम हैक गेम रहेगा या फिर जो गेम अभी तक इंडिया में किसी ने खेला नहीं है पोकेमॉन का, वैसे वाला गेम खेलने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यार मुझे पता है आपको पुराना कंटेंट देखने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, डेफिनेटली मुझे भी नहीं आता मज़ा, लेकिन यार क्या है ना कि ये लाइट प्लेटिनम का न्यू बीटा निकला था, इसके लिए मैंने ये बीटा मतलब खेलने का सोचा, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं आया। तो आपको ये सीरीज़ डेफिनेटली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपको अच्छा सा कंटेंट मिलते जाएगा। यहाँ पे शिप वाला कुछ चीज़ है, तो भाई यहाँ पे नेवी भी है और यहाँ पे आपको जिम लीडर भी देखने मिल रहा है, जो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन INM सिटी का। और यहाँ पे म्यूटियर क्रैश हुआ है, सो म्यूटियर का मतलब आपको पता रहेगा कि कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन आपको मिल सकता है यहाँ पे। अभी गेम को सेव करेंगे और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे सीधा INM सिटी के जिम लीडर के साथ बैटल करने के लिए, या फिर जो पीछे का एरिया बचा है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ अगर आपको मेरा कुछ मतलब गेमिंग कंटेंट ऐसा कुछ सजेस्ट करना है, भाई आपको कोई गेम प्ले देखना है, आपको कोई वॉक थ्रू देखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा गेमिंग कंटेंट अच्छा लगता है ना गाइस, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार क्या है ना कि सपोर्ट करोगे तो मैं माइंड थोड़ा फ्रेशली वर्क करेगा, और माइंड थोड़ा फ्रेशली वर्क करेगा तो भाई अच्छा खासा कंटेंट ला पाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके वजह से आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस। तो बाय बाय।